हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेट मी जस्ट चेक, यहाँ पर ही साउंड वाउंड चेक कर लेते हैं। एंड हाउ आर यू आइज? देखिए दोस्तों, आज का जो लाइव है बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है। आज जो लाइव होगा, दिस इज नॉट अ लाइव Q&A, स्पेशल लेकिन है आज जो लाइव होगा, आज के दिस इज लाइव नॉट में अ भी लाइव Q&A, लाइट लेकिन थोड़ा है से घुमा आज जो देते लाइव हैं होगा, आज के और लाइव ये में सही। भी लाइव Q&A, ये लेकिन है आज जो लाइव ठीक है, होगा, ये आज के लाइव में भी लाइव ठीक Q&A, है। ओप्स, सॉरी, राइट, इसकी वॉल्यूम कम कर देते हैं जैसा कि हमने कहा। तो हमने चेक कर लिया है कि साउंड ठीक है, एंगल ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है उल्टे सीधे एंगल पे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द लाइव टुडे। लाइव का क्या उद्देश्य है? लाइव सेमिनार में आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्या है, कैसे हुआ, इसका बेसिक्स आप समझिए और फिर डायबिटीज़ के ऊपर आप अपने सवाल हमसे पूछिए। और उसके बाद जो दूसरे सवाल हैं, पहले 10, वो भी हम ज़रूर 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 जवाब देंगे। इसी तरह से ये आधा घंटा, एक घंटा, जो भी टाइम लगेगा, हाफ एन आवर टू वन आवर हम आपके साथ बिताएंगे। सो डायबिटीज़ दोस्तों, टाइप 1, टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज़ होती है। सो आपको ये समझना है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है और कैसे होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। क्रोनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, सबसे दुनिया भर की बीमारियों में अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट। होता क्या है, अगर आपकी बॉडी शुगर को हैंडल ना कर पाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी शुगर का करती क्या है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी, हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आपके शरीर का एक ग्रंथि बनाती है, पैनक्रियास। और जो भी आप जब भी कुछ भी खाते हैं तो वो खाना आपकी पाचन क्रिया से, इंटेस्टाइन से टूट के अल्टीमेटली शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे बेसिकली मोनोसेक्राइड्स हैं, जो छोटे छोटे शुगर कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे। शुगर बेसिकली ग्लूकोज है, जो फ्रूट से मिलती है उन्हें फ्रुक्टोज कहते हैं। तो ये सारी की सारी शुगर या कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के पहले इंटेस्टाइन के छोटी आंत तक पहुंचती हैं और छोटी आंत से फिर खून में आ जाती हैं। खून में जब ये आती हैं तो खून में घूमती हैं। अब खून से, इसमें खून के खून में एनर्जी तो नहीं बन जाएगी, लेकिन खून से फिर जब ये छोटी आंत से, जब ये खून से सेल्स के अंदर जाएगी, आपके एक एक पूरे शरीर के सेल्स में जाएगी, तो ही वहाँ जाके वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगी। तो वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए सेल्स में डालने वाली चाबी है इंसुलिन। ये इंसुलिन बनाते हैं आपके पैनक्रियाज। और डायबिटीज़ उसको होती है जिसके साथ ये इंसुलिन या तो कम बन रही है, नहीं बन रही है, या तो जो सेल्स हैं वो इस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यानी कि चाबी से दरवाज़ा नहीं खुल रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अब सोचिए ये होगा क्यों? देखिए, आपका शरीर ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो इसी को जब बहुत मात्रा में आप खाना शुरू कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके सेल्स में डालते डालते सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही वो पूरी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, हर एक चीज़ स्टोर होती है आपके बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में, मसल्स में, इन जगहों पे। और जब लिवर और मसल्स सारी भर जाती हैं ग्लाइकोजन के स्टोर से, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है फैट बन के, यहाँ तक के एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा अमाइनो, एनीथिंग एक्स्ट्रा। एक फैट तो फैट ही बनेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बन के फैट में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तो आपके शरीर को एक स्टिमुलस आता है, ओके, हम मोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं। तो वो शरीर, दिमाग आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि भैया जब ये खा रहे हैं, जब इंसुलिन ज़्यादा बनाना है, इंसुलिन कम बनाओ, नंबर 1, इंसुलिन कम बनाओ, नंबर 2, इंसुलिन जो बन रहा है उसकी सेंसिटिविटी भी कम करो, क्योंकि अगर इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है और सेल्स में ग्लूकोज जाता जाएगा
तो आप मोटे होते जाओगे, मोटे होते जाओगे, सेल के अंदर एनर्जी के लिए जाएगा और मोटे होते जाओगे, मोटे इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा ही। अगर आप मोटे हो रहे हैं, ज़्यादा कार्ब्स खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, इट्स बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट ओवरडोज, कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी, राइट। सो इस कंडीशन में इंसुलिन थोड़ा सा कम सिक्रीट हो सकता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा तो लोग इसके लिए क्या करते हैं, इलाज कैसे करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। दवाइयाँ क्या होती हैं, या तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने वाली, और इसकी इलाज तीन प्रकार से हैं दोस्तों। अगर आपने सिर्फ दवाइयाँ खाया तो आपका इलाज कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। पहला पार्ट होता है दवाइयाँ खाना, और दवाइयाँ खाना क्यों ज़रूरी है, दवाइयाँ इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ग्लूकोज को और अंदर घुसाता है, तो इससे तो आप मोटे होंगे। इसीलिए आपको दूसरी पार्ट ज़रूरी है, जो आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम लेना होगा, डायबिटिक डाइट लेनी पड़ेगी। और तीसरा, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आपका ये जो आप खा रहे हो उसकी बर्निंग उसकी बढ़ेगी, उसकी यूज़ बढ़ेगी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ वो कल करेंगे, हाँ ठीक। सो ये हुई बात डायबिटीज की। अब डायबिटीज में सोचिए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, दवा नहीं खाते हो, तो क्या होगा, शुगर में शुगर सारी खून में घूमती रहेगी, और ये खून में शुगर जाके आपके किडनीज, आपके हार्ट, आपकी खून की नसें, आपकी दिमाग की इलेक्ट्रिकल नसें, नर्व्स जो आपकी बॉडी में है, आपकी आंखें, रेटाइना, इन सब चीज़ों को ख़राब करती हैं, राइट। और इसीलिए प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर, ठीक है। एफ लग रहा है, उनसे बोलो ईसीजी रिपीट करें, ठीक है। एफ तो नहीं है, साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है, बुखार है ना, हार्ट का नहीं है, ठीक है। ओए, सो अगर आप नहीं इसको अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सो नंबर वन, आपकी बॉडी से जितनी भी शुगर है, वो जैसे चाशनी है, चाशनी कढ़ाई में डालते हो, कढ़ाई में परत आ जाती है ना, वैसी ही अगर आप बॉडी में शुगर ज़्यादा घूमेगी शुगर, तो नंबर एक, जैसे ही 180 क्रॉस होगा, किडनी से शुगर निकलनी शुरू हो जाएगी, और किडनी में शुगर ज़्यादा पास होती रहेगी, किडनी भी ख़राब होती है, नेफ्रोपैथी होगी, खून की नसें सिकुड़ती जाती हैं, खून की नसों में इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ क्रैक्स आते हैं, वहाँ पे जितना भी क्रैक्स को हील करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, आपको हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, नसों में प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट हो जाता है, नसों में इतनी प्रॉब्लम, सुनपना आना शुरू हो जाता है, पैरों में चोट भी लगे तो भी आपको महसूस नहीं होता, तो डायबिटिक फुट हो जाता है। घाव आसानी से नहीं भरते, क्योंकि खून मीठा है, खून मीठा होगा, शुगर ज़्यादा होगी तो इन्फेक्शन आसानी से होगा। ये सारी प्रॉब्लम होती है एक डायबिटिक पेशेंट्स में जब शुगर ज़्यादा होता है, और ये लंबे समय चले तो घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, सबसे ज़्यादा क्रोनिक बीमारी है ये। इसको टेस्ट करने के लिए कई टेस्ट आते हैं, डायबिटीज़ टाइप वन, टाइप टू, दो प्रकार की डायबिटीज़ है। टाइप वन में बचपन से प्रॉब्लम हो सकती है या बड़े होकर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स डैमेज हो जाएं किसी कारण से, वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास के डैमेज हो, तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा। मतलब अगर इंसुलिन ही नहीं है काम करने के लिए तो टाइप वन डायबिटीज़ है। अगर इंसुलिन है और रेजिस्टेंट है, इंसुलिन नहीं है या कम है तो टाइप वन है, इंसुलिन है ज़्यादा है और काम फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो आपको टाइप टू डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो लाइफस्टाइल बीमारी है, लाइफस्टाइल चेंज करने से आएगा, पतले होने से आएगा, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करने से आएगा, हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कम करने से। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट दिखेगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फीवर इंड्यूस्ड है, उनको बोलो बुखार ठीक करें फीवर के लिए, और ये फ्लटर है इसको, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, राइट। सो ये हुई बीमारी टाइप वन टाइप टू डायबिटीज। अब हम इस पे 10 मिनट का हमने सेशन ले लिया है, और कोई भी इसके सवाल हो, पहले तो हम टेस्ट बता दें। टेस्ट के लिए आप HbA1c कर सकते हैं, 3 महीने की शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर, पोस्ट मील 2 घंटे के बाद, इन सब रैंडम, फास्टिंग या पोस्ट मील, इन सब का
याद रखिए, हर रोज़ चेंज होना स्वाभाविक है कि रोज़ आपकी एक्टिविटी अलग होती है, किसी दिन ज़्यादा एक्टिव हो, किसी दिन कम एक्टिव हो, किसी दिन ज़्यादा खा लिया, किसी दिन कम खा लिया, किसी दिन मीठा खा लिया, किसी दिन नहीं खाया, सो दे कैन वेरी, थोड़ा बहुत वेरिएशन रह सकता है इसमें, इसलिए इसको हार्ड एंड फास्ट ना लें। 3 महीने में HbA1c का 3 महीने का एवरेज वाला जरूर टेस्ट करवाएं, जो HbA1c कहते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आई का, इसका उसका, तो ज़रूर 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 उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर तुरंत से तुरंत शुरू करें। डायबिटीज़ इज़ वेरी इजीली क्यूरेबल, वेरी इजीली कंट्रोलेबल, आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं वज़न लॉस करके, थोड़ा डाइट मॉडिफाई करके और मेडिसिंस लेके, मेडिसिंस भी कम हो सकती है, राइट। सिर्फ मेडिसिंस बढ़ाते रहना उसका इलाज नहीं है जब तक आप डाइट में कट नहीं करोगे। मान लो आज आप इंसुलिन ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आपकी डाइट का आधा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आता है, आपकी 1,500-2,000 की कैलोरीज जो आप खा रहे हो पूरे दिन में, उसमें 1,000-1,500 कैलोरी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, वो 1,000-1,500 कैलोरीज को पचाने के लिए आपको इंसुलिन लगती है, आप पूरे दिन में 30 यूनिट 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, सुबह थोड़ी शाम को थोड़ी, व्हाटएवर यू टेक, उतनी इंसुलिन आपको 1,500 कैलोरीज के, अगर आप वो 1,500 कैलोरीज कम कर दें, अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम करते जाएं, अगर आप सिर्फ 500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले, तो स्लोली आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, स्लोली आप धीरे धीरे डायबिटिक्स के रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वो इंसुलिन स्लोली उसको हैंडल कर सकता है, कम शुगर को हैंडल कर सकता है, ज़्यादा शुगर को नहीं। और अगर आप छोटे से कॉन्सेप्ट समझ गए, अगर आपने फूड ग्रेन्स, बिस्किट्स, राइट, जितनी भी मैदे वाली चीज़ें हैं, वो सब जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वो आपने कम 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 करके इवन बंद कर दिया तो भी चलेगा, अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप डायबिटीज़ पे आराम से विजय जीत पा सकते हैं। सो ये हुई बात, लेट्स जस्ट टेक सम क्वेश्चंस नाउ, राइट। याद रखिए, हम डायबिटीज़ के सवाल लेंगे और बाकी दूसरे सवाल भी लेंगे, राइट। पहले हम ले लेते हैं हमारे पेट सवाल, कुछ पेट सवाल आए हैं। एक तो HbA1c का कितना लेवल हम ओके कह सकते हैं। सो HbA1c जो होता है उसमें एक्चुअली पहले तो लेवल्स अलग थे, 5.8 या 6 के आसपास का माना जाता था, लेकिन अब जो रिकमेंडेशन है वो बढ़ गई है। अगर आपका HbA1c 7.5 भी है तो भी आप मेडिसिंस ना शुरू करें, तो भी आप डाइट एंड एक्सरसाइज करें, 8 के नीचे नीचे मेंटेन करना चाहिए। हेलो, हाँ विकास, जब पुराना ईएफए बुखार हो गया उसको, देख लूँगा मैं कहाँ जा रहा है पेशेंट। हाँ हाँ, डिजॉक्सिन चलेगी, जो मेडिसिन चल रही है सारी चलेगी, डजंट मैटर। हाँ हाँ, ओडी ही होती है डिजॉक्सिन, ठीक है, हाँ डाल दो, ठीक है, श्योर श्योर, ओके, राइट। सो HbA1c का रिकमेंडेशंस चेंज हो गए हैं, सो आइडियली उसको आप 7-8 से नीचे रखिए, दैट इज़ द बेस्ट। अगर 7 या 8 भी है तो भी आप डाइट एंड एक्सरसाइज पे कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हो, अगर बढ़ता जा रहा है देन यू विल नीड मेडिसिंस, ओके, रिमेंबर दिस। फिर आगे बात, राइट, नेक्स्ट पेड सवाल हम ले रहे हैं, उसके बाद थोड़े बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दूसरे सवालों का जवाब भी देंगे, ओके। नॉर्मल फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट 3-4 टाइम्स पर डे इज नॉर्मल और व्हाट? यस, इट इज़ नॉर्मल, डोंट वरी, 3-4 टाइम्स अ डे भी ये नॉर्मल होता है। अगर आपको मोशंस लूज हो रहे हैं तो रिमेंबर उसके बाद पानी ज़रूर पीजिए, एक गिलास पानी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये हुए 2 सवाल जो हमारे पास आए थे पेड। अब हम ऊपर जा रहे हैं वापस और फटाफट हम ऊपर के 10 सवालों के जवाब देंगे, और अगर किसी ने डायबिटीज़ का सवाल पूछा है तो उसके सवाल देने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू मिस्टर मिर्ज़ा। 2019 में वेस्कुलाइटिस हुआ था, लेकिन अब डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं, ANC, B12, हीमोसिस्टिन लेख लिखे हैं, बताएं ये टेस्ट क्यों करने हैं? ये क्यों करने हैं? इनसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ और B12 कहाँ कहाँ डैमेज है, वेस्कुलाइटिस के अलावा नसों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो टेस्ट कराइए, दिक्कत ऐसे टेस्ट कराने में टेंशन मत लीजिएगा। ये डिस्कशन आप अपने डॉक्टर से भी कर सकते हैं कि वेस्कुलाइटिस तब हुआ था, अब क्या सिम्टम है, उसके बेसिस पे टेस्ट क्या करा रहे हैं। आई बैग्स के लिए मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी है, जो आप सर्च करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आईज़ के वाइट पोर्शन में स्वेलिंग रहती है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, राइट। इसके बारे में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ही आंसर मिलेगा, आई एम नॉट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सॉरी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है।
स्लाइट शेकिंग ऑफ रिंग फिंगर राइट हैंड सिंस 3 ईयर्स, नाउ फीलिंग वीक, लाइट पेन, ऑल्सो पेन इन थम ऑफ लाइट हैंड लेफ्ट हैंड विच स्टार्ट्स और इंक्रीजिंग वेन प्रेस डाउनवर्ड्स और हिट बाई एनीथिंग, वॉट टू डू? इस केस में आपको एक बार एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, राइट? वीकनेस है, लाइट पेन है, एक बार ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए और वो एग्जामिन करके या तो एक्सरे या कुछ करके देख सकते हैं आप। नसों की चेकअप कराइए, B12, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब जरूर चेकअप कराइए, NCV टेस्ट करा सकते हो। अल्टीमेटली इसका इलाज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, आपको ऑर्थोपेडिशियन से डिस्कस करके ही करना होगा। अगर वीकनेस है तो वीकनेस के जो विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी पूरी करनी होगी। सर मैं थैलासेमिक हूँ, मुझे हेल्दी लाइफ के लिए कुछ टिप दे दीजिए, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाए। थैलासेमिक पेशेंट्स और को ब्लीडिंग से बचना होगा, किसी भी प्रकार के आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं तो इन्फेक्शंस का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होते हैं, माइनर हैं तो कोई दिक्कत मेजर नहीं है, तो फिर आपको देखो हेल्दी रहने के लिए सबके लिए एक ही रूल है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग मेरे लिए अलग। आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा खाइए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, 7 to 8-9 hours ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कोई वीडियो भी इस पर समझा नहीं, अभी नहीं है, आगे चल के आएगा। सर मेरी मम्मी को डायबिटीज़ हो गई है, उनका ख्याल कैसे रखूँ, बहुत परेशान हूँ। एवरी 3 months, 6 months, 9 months, or 8 एक साल में एक बार HbA1c टेस्ट ज़रूर कराएं। नंबर वन रूल याद रख लीजिए, HbA1c कंट्रोल है, सब कंट्रोल है। उनका ख्याल रखने के लिए पहले उनके कार्बोहाइड्रेट आधे कर दो, डाइट बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट आधे करने में रोटी चावल इस सारे अनाज आधे कर दो, ज़्यादा सब्जियां खाओ, दालें खाओ, प्रोटीन खाओ, सोयाबीन खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो, वो चीज़ें खाओ जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का रेशियो एक बराबर हो। उसके लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन का वीडियो देखिए जाके। ऑलराइट, स्टार्ट विद दिस, और डायबिटीज़ के डिटेल वीडियोज़ भी है मेरे चैनल पर, वो जाके देखिए। ऑलराइट, फिर उसके बाद सर मेरी एज 20 है, मेरा चेस्ट पेन होता है, इसलिए इको ECG ब्लड टेस्ट कराया, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, मगर मेरा वेट दिन पे दिन एवरी मंथ 5 किलो लॉस हो रहा है, खाना खाने के का मन नहीं करता। दिलीप जी, यू नीड इवैल्यूएशन। अगर हर बार ऐसी लॉस होते जा रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, इट्स पॉसिबल आपको ट्यूबरक्लोसिस है या ऐसी कोई क्रोनिक बीमारी है जो शरीर से बहुत कुछ खींच लेती है। सो ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं ये हमेशा नहीं कहा जा सकता, हमेशा छाती का नहीं होता, कभी आंत का होता है, कभी बोन का होता है, तो बहुत सारी कंप्लीट इवैल्यूएशन की आपको ज़रूरत है। आपकी जो भी बीमारी है पकड़ी नहीं गई है, अनडायग्नोस्ड है। ऑलराइट, फिर हाउ मेनी कैलोरीज इन 1 kg वेट? क्या, हाउ मेनी कैलोरीज इन 1 kg वेट, व्हाट यू मीन बाय दैट? ऐसा नहीं होता, पता नहीं आपका सवाल मुझे समझा नहीं। हेलो मिस्टर, एडवाइस फॉर प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन, ऑलरेडी मेड अ डिटेल वीडियो ऑन दैट, आप वो डिटेल वीडियो जाके देखिए, प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन पे पूरी जानकारी दी गई है। ऑलराइट सर, IgE लेवल उसमें जो बताया वो फॉलो करो, ठीक है? IgE लेवल्स 2000 है, कम हो सकता है, जी हाँ कम हो सकता है। आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेना शुरू करो, रोज़ नींबू खाओ, रोज़ विटामिन ई, विटामिन B12 और इसके लेवल्स अपने चेक कराइए, N-acetylcysteine या कुरकुमिन का सप्लीमेंट्स ले लो, दे विल हेल्प यू गेट दिस थिंग इन कंट्रोल। ऑलराइट सर जी, और थैंक यू। कितनी लेनी चाहिए दिन में, क्या कितनी लेनी चाहिए दिन में? टी कितनी लेनी चाहिए दिन में? टी इज़ राइट, दो ले लें बहुत हैं, 2 या 3, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, 2 या 3। और शाम को जब भी आप सोते हैं, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 6 बजे के बाद ना पिए, बेसिकली 6 घंटे असर रहता है उसका, तो ये बात सोच के आपने देखा है कि 6 घंटे तक असर रहेगा, ठीक है? आपकी सेकंड पार्ट की वीडियो कब आएगी? कौन सा सेकंड पार्ट, किसका सेकंड पार्ट, पूरा डिटेल लिखो दोस्त। ऑल राइट, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वीडियो कब आएगी? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वीडियो आएगी, डोंट वरी। राइट डॉक्टर, मुझे कभी कभी नॉर्मल सोते हुए बहुत झटके महसूस होते हैं विदाउट एनी पेन, खड़ा होने पे ख़त्म हो जाते हैं, सोने पे झोंके, खड़े होने पे ख़त्म, इट्स डज नॉट रिंग एनी बेल। और भी कुछ दिक्कत होगी आपको, एक बार ENT को दिखा लो, ईयर में कोई इनर ईयर प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, पर खड़े होके ख़त्म नहीं होना चाहिए था। आई स्टिल डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नीड फर्दर इवेल्युएशन। ये एक छोटी सी चीज़ से हमें पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा कि लेटे हुए झोंके क्यों आते हैं। अगर लेटे हुए झोंके आते हैं, इट्स माइट बी जस्ट वीकनेस, जस्ट हीमोग्लोबिन कम है, पानी नहीं पीते हो, बहुत ज़्यादा चाय पी ली है, समथिंग लाइक दिस, जनरलाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, तो हमने 1, 2, 3
चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब मैं सिर्फ ऊपर से नीचे सर्च कर रहा हूँ, किसी ने डायबिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कैन वी ईट हनी एंड बनाना टुगेदर? यस यू कैन ईट हनी एंड बनाना। सर प्लासिबो इफेक्ट कितना इफेक्टिव है? प्लासिबो इफेक्ट, व्हाट यू बिलीव कम्स ट्रू इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर बिलीव ऑन इट। सो प्लासिबो इफेक्ट इज दैट इफेक्टिव, प्लासिबो इफेक्ट उतना इफेक्टिव है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट हो सकता है। जब तक आपको बिलीव है तब तक करेक्ट होगा। दिस इज हाउ प्लासिबो इफेक्ट बिलीव, बिकॉज जब आप चाहते हो तो पूरी कायनात उसे करने में लग जाती है, दैट्स वॉट इट इज। जब आप एक चीज करते हो और उस पर बिलीव करते हो कि ये मुझे पतला करेगी, तो अननोइंगली आपका सबकॉन्शियस माइंड 10 चीज़ें और करता है आपको पतला करने के लिए, है ना। तो ये एक आप देखोगे कि उसी दिन से आपने थोड़ी सी एक्टिविटी भी कम कर दी, उसी दिन से जितना रसगुल्ले खाते थे, जितनी मिठाई खाती, थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, और आप फिर सारा क्रेडिट दे देते हो उस पहली एक सप्लीमेंट को जो आपने लेना शुरू किया। सो प्लासिबो इफेक्ट इज़ वेरी बिग, बिग चीज यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट। देन वी आर सर्चिंग फॉर क्वेश्चन, सी ये टॉपिक है। सो 10 सवाल भी हो गए, ये भी हो गया, 20 मिनट भी हो गया, अब हम सर्च कर रहे हैं क्वेश्चंस के डायबिटीज़ पे। सो डायबिटीज़ HbA1c कितना होना हो, कितना लेवल हो के ओके कह सकते हैं। अगर HbA1c मेरे किसी पेशेंट का 7 से नीचे है, 7.5 से या 8 से नीचे है, ओके फॉर मी। उसकी ना मैं दवा बढ़ाऊंगा ना कुछ। अगर वो HbA1c 7 से नीचे 6 से नीचे आ गया है, इट्स टाइम टू डिक्रीज द मेडिसिन, इट्स टाइम टू डिक्रीज द मेडिसिन एंड गो फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस, डिक्रीज स्लोली। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम शुगर, ओके एक और चीज़, क्वेश्चंस अपने डायबिटीज़ पहले लिख के पूछा करो यार, ताकि मुझे पता चले किसका डायबिटीज़ का सवाल है, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा ढूंढने में। ऑल राइट, वेरी डिफिकल्ट। एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन ऑन डायबिटीज़ प्लीज़ आस्क नाउ। नीचे भी पूछोगे तो मिल जाएगा, मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। डायबिटीज़ पे सवाल है पूछ लीजिए। ऑल राइट, देन एनाबॉलिक स्टेरॉयड हेल्प फॉर रिव्यू वी हैव डन। किसी का पेड सवाल है तो पेड सवाल आंसर दिया जाएगा, चाहे किसी भी टॉपिक का हो। 10 पहले सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, वेट बढ़ाना, ये बढ़ाना, उन सब के सवालों के जवाब नहीं अभी आएगा डायबिटीज़ पे। ऑल राइट, आपकी फ़ीस ऑनलाइन कैसे देनी है, ये कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, सारा सिस्टम समझाया हुआ है। या फिर 0800 3965 8989 पे कॉल करिए, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए। All right. Then we'll talking for Ayurvedic and homeopathic normal drugs, which is better for diabetes. Quite frankly, अगर मुझे कभी diabetes हो गया तो before taking any drugs, जी जान से सिर्फ lifestyle changes हम करेंगे। I have a tendency, मेरी family में history है diabetes की, my mother has diabetes, so इसीलिए मैं वज़न control करता हूँ, इसीलिए मैं sugar का बंद sugar नहीं खाता हूँ, और even जब मीठा खाने का मन करे तो sugar free ले लेता हूँ। That's what I do. You can do what you want. Ayurvedic, homeopathic या तीसरी चौथी कोई भी medicine आप लीजिए, ultimate control है diabetic control होना। अगर आप जामबुरलिन या क्या बोलते हैं उसको, जामुन के भी जामुन खाते हैं, ये खाते हैं, ये सब इफेक्टिव पाए गए हैं कई लेवल्स में, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, वो बढ़ाने के लिए। लेकिन इन ये सब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइट कट करिए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कट करिए, स्लोली यू विल गेट बैक टू दैट। इंक्लूड दीज थिंग्स, आप जामुन खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, करेले खाओ, नीम लो, दे आर गुड, राइट। सो ये सब आपको बचाएंगे उसके बैड इफेक्ट से, मगर ये परमानेंट चीज़ नहीं है। परमानेंट है कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड है, कार्ब ओवरलोड है, कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी है, कार्बोहाइड्रेट कम खाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर कोई मज़ा नहीं करना। पिज़्ज़ा खाते हो, एक स्लाइस खा लो, उस दिन रोटी मत खाओ, उस दिन सिर्फ पिज़्ज़ा खा लो। थिंक अबाउट इट दिस वे, इन्जॉय दोज थिंग्स जो आप खाना इन्जॉय करते हो इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। और जब वज़न कम करना है तब ये सब कट करके पहले वज़न कम करो, फिर मेंटेन करो। दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। ऑल राइट, मैं सबसे नीचे आ चुका हूँ विनायक जी। क्या सवाल, अब डायबिटिक पर्सन कैन ईट राइस? यस, डायबिटिक पर्सन कैन ईट राइस। सो अब डायबिटीज़ पे जो सवाल आएंगे हम वो देंगे, तो नीचे नीचे सवाल अपने डालते जाइए अगर आपका डायबिटीज़ पे कोई सवाल है तो। डायबिटीज़ पर्सन राइस खा सकते हैं मगर क्वांटिटी, आप या तो रोटी खाओ या राइस खाओ, दिन में दो ही बार खाओ, या एक कटोरी राइस या एक या दो रोटी, दैट्स इट। अब आपको कम करना है, अगर आप 8 रोटी खाते थे 4 कर दो, 4 खाते हो और कंट्रोल करना है 2 कर दो, 2 खाते थे 1 कर दो। दिस इज हाउ यू डिक्रीज द क्वांटिटी स्लोली।
आपको और रिजल्ट चाहिए और आधा करो, और रिजल्ट चाहिए और आधा चाहिए, तो खाओगे क्या? वेजिटेबल्स खाओ, जितने जितने खाने हैं, जो वेजिटेबल्स खाने हैं, कच्चे पके जैसे मर्जी खाने खाओ, दूध पियो, दूध दही पनीर लस्सी छाछ, डबल टोन या दो बार मलाई निकाल के, ऑलराइट। राइस खा सकते हो कम क्वांटिटी में, कोई भी राइस, ब्राउन राइस, वाइट राइस, डजंट मैटर, वाइट राइस खाओगे कम क्वांटिटी में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि ब्राउन राइस ज़्यादा खाओ, ब्राउन राइस भी कम ही खाने हैं। ऑल राइट, टिनिटस पे वीडियो है, डायबिटीज इंटरमीडिएट फास्टिंग इज गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट। नो, फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट। अगर आपका इंसुलिन स्लो है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंसुलिन, आपका शुगर लो नहीं हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट मस्ट ईट इंटरमीडेंटली, हर 3-4-6 घंटे के अंदर उनको खाना खाना चाहिए। रात के लिए उनको केसिन प्रोटीन या दूध लेना चाहिए ताकि स्लो एब्जॉर्ब होते होते रहे और वहाँ पर उनके शरीर के अंदर काम चलता रहे। सो रात में केसिन प्रोटीन चाहिए। फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर डायबिटीज एट ऑल, नॉट इवन फॉर वेट लॉस। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो 8 घंटे 12 घंटे भी फास्टिंग कर रहे हो और उसके बाद 4-4 पिज्जा खा ले रहे हो, सो यू विल नॉट लूज वेट, यू विल नॉट कंट्रोल योर डायबिटीज, यू विल नॉट हैव एनी बेनिफिट, रिमेंबर दिस। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कैलरी डेफिसिट। कैलरी डेफिसिट अगर आप सिंपल पूरे दिन में हर घंटा एक गाजर खा के भी बिताओगे तो भी कैलरी डेफिसिट हो जाएगा, या आप जबकि आपने 3-2 किलो गाजर खा ली होगी, या गाजर खाओ मूली खाओ, बट पॉइंट इज यू ईट मोर कैलरीज and complete your proteins, it's very important. So eat less calories and complete your proteins. Can whey protein cause diabetes? No, whey protein से diabetes नहीं होता। whey protein में कायदे से protein होना चाहिए, amino acid चाहिए, उसमें उसमें sugar होनी नहीं चाहिए, लेकिन because ये दूध से निकलता है तो दूध में भी glucose, lactose होता है, तो उसमें कुछ carbohydrates हो सकते हैं, इसलिए आपको whey protein में अगर invest कर रहे हो, ये देखो कि उसमें sugar कितना है, carbs कितना है। जैसे कई लोग कहते हैं हम प्रोटीन एक्स ले लें, ये ले लें, प्रोटीन एक्स में 50% carbs हैं, जीरो शुगर लिखा है लेकिन carbs 50% है, शुगर नहीं है, सिंपल शुगर नहीं है, काब्स हैं 50%, 30% प्रोटीन है। सो 50% काब्स, 30% प्रोटीन, इज उससे ज़्यादा बेहतर तो आपकी पनीर है, उससे ज़्यादा पनीर है, उससे ज़्यादा बेहतर दूध है। दूध डबल टोन दूध लोगे, 1:1 का रेशियो है, जितना काब्स उतना पनीर, उतना प्रोटीन, फ़ायदा किस में है आप सोचो, और सस्ता क्या है, दूध। राइट, देन वी कम ऑन टू वे प्रोटीन कॉज डायबिटीज हो गया। डायबिटीज का सवाल पूछना चाहें डायबिटीज पे, alright, does sanitizers, steroids, potato in diabetes? Yes, you can eat potato. Again, जिस बार चावल खा रहे हो उसी समय आलू खाओगे, उसी समय रोटी खाओगे, उसी समय सब गड़बड़ हो जाएगी। सो आपको ये देखना है, जिस वक्त आपने चावल खाया, मतलब हर 4-6 घंटे में खाना खाना है, तो हर 4-6 घंटे में एक बार थोड़े से चावल खा लो, एक कटोरी चावल, उसके 4-6 घंटे के बाद आलू खा लो, थोड़े से आलू वाला कुछ भी सब्जी खा लो जिसमें आलू भी डली हुई है, प्लेन सब्जी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4-6 घंटे में आप एक आधी रोटी खा सकते हो, या बाकी मेन चीज़ है कि उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए। यू हैव टू कम्प्लीट योर प्रोटीन, बी एक्टिव, दिस इज हाउ यू कम्प्लीटली किल डायबिटीज। ये स्टेप वन है, आगे चल के इसमें भी कट करेंगे, इसमें भी कट करना होता है। सो हर एक के लिए प्लान थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एक साथ नहीं खाना है सारी चीज़ें डायबिटीज़ वाली। ऑल राइट, देन ईडी ड्यू टू डायबिटीज, येस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है डायबिटीज़ में। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज़ में अगर नस खराब होती है तो कहीं की भी खराब होती है। जब आपका पैर पूरा का पूरा सुन्न हो सकता है, उसमें चोट लगे तो पता नहीं चलेगा, तो उसकी सेंसेशन जा सकती है, तो पेनिस की सेंसेशन तो जा ही सकती है। तो येस, अगर आप डायबिटीज़ सही टाइम पर कंट्रोल नहीं करोगे, आपको ईडी भी हो सकता है, और वो ईडी फिर किसी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। So diabetes is very, very dangerous. All right, then fasting sugar 110, क्या मैं डायबिटी प्री डायबिटिक हूँ, रिलेशनशिप बाय डायबिटिक कोलेस्ट्रॉल, दिस थिंग। नो, यू आर नॉट प्री डायबिटिक, डोंट वरी। फास्टिंग शुगर इंसान का 120 तक वेरी कर सकता है, 130, 140 भी रह सकता है। एक आधी बार ज़्यादा हो जाने का मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, इसीलिए मैंने कहा वो वेरी करता है, मशीन में एरर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया हो, सैंपल में कलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, देयर कैन बी सो मेनी एरर्स। सो इसलिए एक रीडिंग पे कोई भरोसा मत करिए। अगर आपको डाउट है, या तो आप GTT कराओ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कि आप शुगर खाते हो आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर पाती है कि नहीं कर पाती है, या फिर आप HbA1c कराओ, HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर। डोंट वरी, आप प्री डायबिटिक नहीं हो। मम हैज़ डायबिटीज, शी फील टिंगलिंग सेंसेशन अलॉट इन द हैंड्स एंड फिंगर्स, फीट स्पेशली इन नाइट।
न्यूरोपैथी शुरू हो गई है उनको, डायबिटिक कंट्रोल करिए, पैरों में मसाज करिए, B12 डेफिशिएंसी है तो उसको ठीक करिए, दूध दही पनीर लस्सी छाछ उनके कोई ना एक चीज़ इसमें दिन में दो बार खाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, वज़न कम करना ज़रूरी है, हाई टाइम, और रोज़ पैर को चेक करना है, रोज़ पैर को चेक करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए। ऑल राइट, रिमेंबर दिस, डायबिटीज पेशेंट कौन कौन से फ्रूट्स बेस्ट हैं? टेक्निकली कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, द मोस्ट स्वीटेस्ट फ्रूट होता है आम, केला, अंगूर, चीकू, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और एक जो ड्राई फ्रूट में आता है खजूर, खजूर में 80% शुगर होती है, तो खजूर आप नहीं खाओगे, इज इक्वल टू रोटी, बेसिकली रोटी में भी 80% शुगर होती है, 70-80%, लेकिन आम, केला, इन सब में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% तक शुगर होती है, सो फिर भी आम केला आप खा सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बस इतना याद रखिए फ्रूट उस समय मीठा फ्रूट खा रहे हैं तो उसी समय रोटी, उसी समय चावल, उसी समय ये चीज़ें आप नहीं खाओगे डायबिटिक पेशेंट के लिए, दूसरे पेशेंट्स के लिए दूसरे बंदे खा सकते हैं क्योंकि वो मैनेज कर सकते हैं, सो आपको अपने कार्ब्स मैनेज करने होते हैं, हर मील में हर बार खा रहे हैं उस मील में कार्ब्स और प्रोटीन वो इक्वल अगर जाएंगे या ऑलमोस्ट 1:2 जाएंगे तो बेटर होगा, सो इसीलिए आपको प्रोटीन, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जाके वीडियो ज़रूर देखिए आप। ऑलराइट, हर फ्रूट में नहीं, हर फ्रूट में तो किसी में 4% भी होता है, किसी में 3% भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स। डायबिटीज़ एक ह्यूमन लॉडिन में कितने सालों में बनती है ऐसा नहीं है, किसी में जल्दी बनती है, किसी में लेट बनती है, डायबिटिक जेनेटिक फिट भी होता है, किसी किसी में बनती नहीं है, सो कुछ लकी पर्संस होते हैं दुनिया भर के जिनमें कोई ज़िंदगी में डायबिटीज़ नहीं बनती, लेकिन ज़्यादातर लोगों में बन जाएगी, कुछ में जल्दी, किसी में लेट। ऑल राइट, सो नाउ यू आर गेटिंग इट, डायबिटीज़ पर सवाल आ रहे हैं, डायबिटीज़, सर माई फादर हाईएस्ट रैंडम शुगर लेवल इज 170-180, ही इज टेकिंग मेटफॉर्मिन 1 ग्राम डेली, इज इट ओके? ऐसे नहीं बताया जा सकता, आप HbA1c लेवल करिए जैसा मैंने कहा और लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, 1 ग्राम मेटफॉर्मिन से अगर HbA1c 8 के नीचे 7 के नीचे है यू आर ओके, राइट, और अब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए ताकि ये भी कम हो। राइट, डायबिटीज़ के केस में हीमोग्लोबिन क्यों कम बनता है? डायबिटीज़ के केस में जब किडनी ख़राब होने लगती है, किडनी का मेन काम है एरिथ्रोपोएटिन बनाना, एरिथ्रोपोएटिन आपके हीमोग्लोबिन बनाने में, रेड ब्लड सेल्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए डायबिटिक के पेशेंट्स को, किडनी के पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन कम बनता है स्लोली, ठीक, क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोएटिन कम बनाती है। अल्कोहल कॉजेज डायबिटीज़, येस, अल्कोहल इज़ एन एम्प्टी कैलरीज, अल्कोहल में एम्प्टी कैलरीज होती है, आप दारू भी पी रहे हो, आप रोटियां भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, कार्ब्स ओवरलोडिंग में अल्कोहल काम करेगा, साथ ही अल्कोहल जब रहता है तो अल्कोहल देखा गया है कि बॉडी के पैनक्रियाज में डैमेज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन सकता है ओवर ड्रिंकिंग अल्कोहल, ओवर ड्रिंकिंग, रोज़ एक आधा पैग पीने से नहीं होगा, मतलब रोज़ डिटेल में बहुत ज़्यादा पी रहे सालों तक, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। BP लो रहता है शाम को ज़्यादा है, डज क्रिएटिन अपटेक, ये तो हो गया, ये सब छोड़ो, डायबिटीज़, एज आई सेड ओनली डायबिटीज़, हर एक पे वीडियो आएंगे, गुड, जिसको भी डायबिटीज़ का है डायबिटीज़ लिख के सवाल पूछिए, कैन स्मोकिंग एंड 90 एज कॉज डायबिटीज़? स्मोकिंग से डायबिटीज़ के चांसेस कम है, लेकिन स्मोकिंग और डायबिटीज़ दोनों एक साथ होंगे तो प्रॉब्लम होगी, प्लस कहीं पे भी अगर डैमेज हो रहा है बॉडी में तो वो स्मोकिंग उस डैमेज को कई गुना बढ़ा देगा, अगर आपको रत्ती भर भी डायबिटीज़ के चांस है तो स्मोकिंग से वो बढ़ जाएंगे, और डायबिटीज़ है तो स्मोकिंग से उसके कॉम्प्लिकेशन जल्दी आएंगे, न्यूरोपैथी, किडनी विडनी सब जल्दी ख़राब होंगे, तो स्मोकिंग इज़ नो वेयर गुड नियर डायबिटीज़, पर ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग करने वाले को डायबिटीज़ होगी, उसको साथ में कार्ब ज़्यादा खाने पड़ेंगे, यानी वो ओवरलोडिंग कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी है, ठीक। ऑलराइट, प्लीज़ डोंट आस्क मल्टीपल टाइम्स एक ही क्वेश्चन नितिन, ऐसे फिर दूसरे का सवाल पढ़ना मुश्किल हो जाता है, हाँ जी, ओके, कैन ईट एप्पल, चीकू एंड पपाया? जी हाँ, मैंने कहा वो कोई भी फ्रूट खा सकते हैं क्वांटिटी देख के, क्वांटिटी का मतलब सुबह एक फ्रूट, शाम को एक फ्रूट आप खाइए, उससे क्या होगा आपकी बॉडी को उस फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, पर ये नहीं किलो किलो फ्रूट खा रहे हैं, वो किलो किलो में खाने के लिए आप वेजिटेबल्स या सैलड खा सकते हो, जितना खाना है उतना वेजिटेबल्स एंड सैलड खा सकते हो, ठीक है, फ्रूट लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, डायबिटीज़ में इंसुलिन भी स्टॉप्ड? एब्सोल्युटली, इस वीडियो में शुरुआत से जाके फिर से देखिए, आपको समझेगा कैसे। सोया चाप इज़ हेल्दी? एब्सोल्युटली, अब ये कहाँ से आ गया, ये गलत जगह गलत सवाल पूछ रहे हो, सोया चाप इज़ हेल्दी फॉर डायबिटिक्स ऑल्सो, उसमें कोई फाइटो इट्रोजन्स इस्ट्रोजन्स की मात्रा से आपका टेस्टोस्टेरोन या कुछ ख़राब नहीं होता, इसके ऊपर वीडियो जाके देखिए।
ऑल राइट, डायबिटीज़ के कारण वीकनेस हो रहा है जी, होगा ही होगा। अगर शुगर आपके खून में घूमता रहेगा, सेल में नहीं जा पाएगा, तो सेल में नहीं जाएगा तो वो शुगर आपके खून में पड़ा पड़ा किसी काम का नहीं है, वो बाहर निकल रहा है किडनी से और खून में घूम रहा है, शुगर 300, 400, 500 हो रहा है लेकिन सेल में नहीं जा रहा। सेल बेचारे भूखे हैं इसलिए आपको भूख ज़्यादा लगती है, पॉलीफेजिया होता है, सेल भूखे हैं और शुगर जहाँ होती है वहाँ पानी ज़्यादा होता है तो इसलिए पॉलीडिप्सिया होता है, पानी ज़्यादा पीते हैं और पानी निकलता रहता है, फिर पेशाब ज़्यादा आती है, पॉलीयूरिया। ये तीन बेसिक सिम्टम है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया डायबिटीज़ के सिम्टम है, इसलिए आपको वीकनेस भी लगती है कि सेल्स को है ही नहीं एनर्जी, उतर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। इसके मैंने एक डिटेल वीडियो में डायबिटीज़ पे 25 वीडियोज़ हैं मेरे इस चीज़ चैनल पे, डायबिटीज़ बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों ये हुई बात आज की डायबिटीज़ की। डायबिटिक सर जी मेरी माँ की फास्टिंग शुगर ये है, डॉक्टर ने एटोरवा स्टैटिन दिया है, एटोरवा स्टैटिन 162 पे, 150 के ऊपर मैं भी दे देता हूँ कुछ महीनों के लिए। आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो आपका है ट्रैक करिए, 2-3 महीने अच्छे से उनको डाइट एक्सरसाइज करा के 130 के नीचे ले आओ, फिर एटोरवा स्टैटिन बंद कर देना, ठीक है। और एट हार्ट फीट में स्वेलिंग है, ये भी एक चांस है कि आपको न्यूरोपैथी हो रही है, वेस्क्यूलोपैथी हो रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल में लाइए और एक बार उनके किडनी और लिवर, लंग, किडनी, हार्ट, लिवर फंक्शन चेक कराइए, मिस्टर चांदनी चांदनी सॉरी चांदनी जी इसका चेक कराइए, ठीक। ऑलराइट, देन वी आर जस्ट टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन इज बेटर देन टैबलेट्स, नो, इंसुलिन इंजेक्शन इज नॉट बेटर देन टैबलेट्स। बेसिकली अगर टैबलेट्स, मिनिमम टैबलेट्स, मिनिमम इंजेक्शन, मिनिमम दवा से काम हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट, नथिंग, ये दोनों चीज़ें बेटर नहीं होती हैं। जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट पे आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें उतना बेहतर है। सो जितना जल्दी एक्ट करोगे, जितनी स्टार्टिंग फेज से एक्ट करोगे उतना बेहतर है, उतनी जल्दी आपको दिक्कत कम हो जाएगी। डायबिटीज़ कैन इंक्रीज क्रिएटिन लेवल, नो नो डायबिटीज़ कैन नॉट। ओके सर, माई ग्रैंड फादर हैड डायबिटीज़, माई फादर हैज़ डायबिटीज़, वॉट प्रिकॉशन शुड आई टेक? आपको शुगर कम खानी है, आप अपने ये बात याद रखिए, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जाके देखिए और ज़रा देखिए कि पूरे दिन में प्रोटीन कितना खा रहे हो, शुगर कितना खा रहे हो, उसके हिसाब से आपको शुगर कम करके प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली सोल्यूशन, दैट्स दी ओनली वे यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज़, मोटे नहीं होना गलती से भी, राइट? ओके चलो दैट्स इट, और इसी के साथ डायबिटीज़ के सवाल, जय हिंद, जय हिंद जी। एक सेकंड और रुका हूँ, आप अपना सवाल फिर से पूछ लीजिए नीचे अगर आपका सवाल छूट गया है। मिस्टर जय हिंद, आई विल नॉट गो अप एंड सर्च फॉर इट। सो ये हुई बात दोस्तों डायबिटीज़ की। ऐसे ही हमने सोचा है कि 10 सवालों के जवाब भी देंगे रैपिड फायर में, साथ ही आपको एक टॉपिक अच्छे से समझाएंगे और चाहे 30 मिनट लगे लेकिन आपको एक टॉपिक पर जानकारी तो मिलेगी और लाइव आपके साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक। सो कल के टॉपिक के लिए एक पोल होगा जिसमें 4-5 मोस्ट कॉमन टॉपिक्स मैं दूंगा, कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके वोट करिए, जो टॉपिक आप ज़्यादा वोट करेंगे वही टॉपिक पे डिस्कशन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करके उस पर इस तरह का लाइव सेमिनार हो तो आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं उसी पोल के नीचे। सो ये हुई बात, फॉलो करते रहिए डॉक्टर एजुकेशन को। एक बार और देख लेते हैं किसी ने कोई सवाल पूछा है डायबिटीज़ के ऊपर। सो शुगर लेने से, स्टीरॉयड लेने से शुगर होगा क्या? प्लीज़ येस, स्टीरॉयड लेने से डायबिटीज़ होता है। कॉर्टिकोस्टीरॉयड जो होते हैं वो खासकर जो लोग ऐसे स्टीरॉयड ले लेते हैं जिनका उनको पता नहीं वो क्या है, कॉर्टिकोस्टीरॉयड जो होते हैं वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपके कॉर्टिसोल से शुगर ज़्यादा बनती है। जब भी आप स्टीरॉयड लेते हो आपके अंदर डायबिटीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो येस, शुगर ज़्यादा लेने से डायबिटीज़ होता है अगर आप डाइट नहीं करोगे तो, ठीक है। स्टोन के लिए पूरा वीडियो है पूरा चैनल पे, किडनी स्टोन बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, वोट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे लोग जुड़े। ये ऑब्जेक्टिव यही है कि डायबिटीज़ पे सवाल आ रहे हैं, लोग देखें, एक दूसरे के सवाल से सीखें, वैसे ही अगली बार दूसरे टॉपिक पे सवाल आएगा, ज़रूरत पड़ी तो डायबिटीज़ पे एक और लाइव सेमिनार किया जाएगा और आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज डॉक्टर एजुकेशन, डॉक्टर परमजीत।